सांप का यहाँ पे पूंछ है, और ये सांप को लेके एक अंधविश्वास समाज में फैला हुआ है कि इसके पूंछ में कांटा जैसा होता है। ये सांप में न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है और ये ज़्यादातर रात के वक्त ही निकलते हैं। कांटा गड़ा दे तो वहाँ शरीर फट जाता है। आप देख सकते हैं मैं पूंछ साइड पकड़ा हूँ। मैं चंदन आया हूँ अभी। MGM थाना अंतर्गत एक गांव है जहाँ पे घर के अंदर एक सांप देखा गया। सांप देख के घर वाले काफ़ी ज़्यादा डर गए। आइए चल के देखते हैं आज हम कौन सा सांप रेस्क्यू करेंगे, वो कितना बड़ा है और कितना जहरीला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किनका घर है भैया? चलिए दिखाइए। सांप नज़र आ रहा है? सांप देखने के बाद फिर क्या किए? कुछ नहीं किए। डर नहीं लग रहा सांप देख के? डर लगता है तो ही तो आपको बुलाया। डर लगता है दोस्तों। जो ये सांप आप देख रहे हैं ये एक बैंडेथ करैत सांप है। ये एक जहरीला सांप है, इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। आइए अब हम इसको निकाल के दिखाते हैं ये कितना बड़ा है कितना लंबा है। जी हाँ, पकड़े। बड़ा छोटा है ये। बहुत ही शांत स्वभाव का सांप होता है जैसा कि आप देख ही सकते हैं। चुपचाप से ये ईंटों के बीच में अपने आप को छुपाया हुआ है। तो हो जाइए भैया आप लोग पीछे हो। पीछे तू पहले हट। अरे तू हट ना। तू हट। समझ गया। दोस्तों आइए अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे सांप है ये। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये सांप का यहाँ पे पूंछ है, और ये सांप को लेके एक अंधविश्वास समाज में फैला हुआ है कि इसके पूंछ में कांटा जैसा होता है। बट देख सकते हैं आप इसका पूंछ में किसी भी तरह का कोई भी कांटा नहीं है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा, यहाँ पे देख सकते हैं इसका खाना है, ये चाय जिसे खाने के लिए शायद ये घर में घुस गया था। कुत्ता को हटा लीजिएगा। दोस्तों यही है दुनिया का सबसे जहरीला सांप जिसे हम लोग बैंडेथ करैत बोलते हैं। ये सांप में न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है और ये ज़्यादातर रात के वक्त ही निकलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और इसका बॉडी ट्रायंगुलर शेप में होता है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसके पूंछ को मैंने बताया कि कांटे जैसे होते हैं जिसे लोग देख के डर जाते हैं और बोलते हैं कि इसके पूंछ में कांटा होता है और वो कांटा गड़ा दे तो वहाँ शरीर फट जाता है। आप देख सकते हैं मैं पूंछ साइड पकड़ा हूँ, बट इसके पूंछ में। और ये ज़्यादातर सांप को ही खाना पसंद करते हैं। और काट लेगा ऐसे तो दोस्तों हमने कल देर रात एक बैंडेथ करैत स्नेक को रेस्क्यू किया था, जो कि आप देख सकते हैं मेरे हाथों में ये खूबसूरत सा सांप। अभी हम इसको आए हुए हैं रिलीज़ करने के लिए, यहीं पे रिलीज़ कर देते हैं। रिकॉर्ड करना है मेरा मोबाइल से। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अभी एक बैंडेथ करैत को रिलीज़ कर दिया। ये धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा है, और ये हमारे लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसीलिए किसी के भी घर में सांप आ जाए तो वो सांप को खुद से पकड़ने की कोशिश ना करे और ना ही सांप को मारे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितनी तेज़ी से जंगल की ओर बढ़ रहा है, और इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ सांप को ही खाता है और ये हमारी मदद करता है। जैसे कॉमन करैत
कोबरा ये सब जहरीले सांपों को खाकर ये उनकी संख्या को कंट्रोल करता है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।